प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को UPSTF की बरेली यूनिट ने दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम पर 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित था और कहा जा रहा था कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद फरार चल रही माफिया अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। UPSTF के DSP अब्दुल कादिर के नेतृत्व में टीम ने महीनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ था, जिसके बाद सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में अशरफ से अवैध मुलाकात कराने और सहूलियत पहुंचाने के मामले में सद्दाम के खिलाफ बरेली जनपद के बितरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिलहाल STF उसे बरेली के थाना बितरी चैनपुर लेकर के पहुंची है। STF और पुलिस की संयुक्त टीम सद्दाम से फिलहाल पूछताछ कर रही है और उसे कोर्ट पेश कर जेल भेजा जाएगा। माना यह जा रहा है कि सद्दाम से अशरफ और अतीक अहमद के कई राज खुल सकते हैं और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी सद्दाम के न मिलने पर प्रयागराज में उसकी संपत्ति की कुर्की की तैयारी की जा रही थी। लखनऊ और प्रयागराज की टीम भी अभी उसकी तलाश में जुटी थी। आखिरकार UPSTF ने उसे दबोच ही लिया। आपको बताते चले कि उमेश पाल की हत्या की साजिश बरेली जिला जेल में ही रची गई थी। यहाँ बंद रहे माफिया अशरफ का साला सद्दाम 3 साल से बरेली में ही किराए के मकान पर रह रहा था। वह प्रयागराज के रसूखदार हो, शूट हो व अन्य जगह से आए लोगों की अशरफ से मुलाकात करवाता था। यहाँ बरेली जिला जेल में अफसरों से लेकर सिपाही तक उसके नेटवर्क में थे और जीजा साला दोनों मिलकर जेल प्रशासन को उंगलियों के इशारे पर नचाते थे। उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों की अशरफ से मुलाकात कराने में भी सद्दाम और उसके खास गुर्गे बरेली निवासी लल्ला गद्दी की भूमिका सामने आई थी। बितरी थाने में सद्दाम, लल्ला गद्दी और उसके अन्य गुर्गों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं दूसरा मुकदमा सद्दाम व उसके साथियों के खिलाफ भी बारादरी थाने में दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमों की विवेचना के लिए CO तृतीय के नेतृत्व में SIT की टीम गठित की गई थी। अशरफ व सद्दाम के गुर्गों को जेल भेजा गया था और जेल के आरक्षी भी जेल गए थे। फिर 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और उमेश पाल की हत्या के बाद से ही सद्दाम फरार हो गया था। बताया ये जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद एनकाउंटर के डर से वह दुबई भाग गया था। फिलहाल सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद अब उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और माना यह जा रहा है कि साइस्ता परवीन के भी कई राज खुलेंगे। साइस्ता परवीन भी बहुत जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो सकती है।